गुड मॉर्निंग गाइस, हम अभी अभी उठा और अभी सुबह की 7 बजे, हम वैसे तो हम 6 बजे में यहाँ से निकलने का प्लान किया था, लेकिन भाई सो गए हम। और हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। ठीक है, भटूरे छोले भटूरे हैं, सॉल्ट एंड वेजिटेबल, अंडा, ठीक है, पैकेट बीन्स, आलू है, सॉसेज है, मैं तो छोले वो तो खाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओए गाइस, तो ब्रेकफास्ट हो गया और अभी ये हमारा ड्राइवर, आपका नाम? मेरा कृष्णा। कृष्णा, यस, ओके कृष्णा, ओके, थैंक यू। तो ये ओके बैग दे, तो गाइस अभी नाश्ता पूरा हो गया, अभी गाड़ी भी आ गया, हम यहाँ से निकलेंगे। अभी सुबह की टाइम हो गया 7 बजे और कहूँगा भाई और चलते हैं, नाश्ता हो गया ना, हाँ अब चलते हैं ना। कहाँ गया लंबू भाई? ये आ जा लंबू भाई, हम दोनों पीछे बैठेंगे, ठीक है, आप आगे बैठ जाओ। तो चल पोड़े, चल पोड़े। ओ हाँ हाँ, आराम से आया। हमको पता है यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है, तो ऐसे रास्ते में ये गाड़ी बेस्ट है, बेस्ट। गाइस अभी हम ये जगह का नाम है बेनी, अभी हम वहाँ पोखरा से निकल के 2 घंटे हुआ और अभी हम यहाँ, कुंगा भाई ने बोला आज हम यहाँ से सब्ज़ी लेगा, फिर सब्ज़ी ले जाइए उधर उनका घर में सब्ज़ी बनाएगा, क्योंकि शायद ऊपर सब्ज़ी इतना अच्छा नहीं मिलता होगा, तो हम यहाँ से लेंगे सब्ज़ी। नमस्ते, नमस्ते। और सब्ज़ी क्या क्या है? ये क्या है? ठीक है, मशरूम, इतना बारह बारह मशरूम मिल रहे हैं। मशरूम ठीक है भैया, ठीक है, मशरूम मशरूम, ओके। राम्रो मुस्ताङ जाने, मुस्ताङ जाने, हाँ कहाँ बड़ा इंडिया, इंडिया इंडिया से, इंडिया से कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, हिंदी आता है हमको? हिंदी, हिंदी आता है, हाँ हिंदी में बोलिए, हाँ हिंदी में। यहाँ से अभी मुस्ताङ, मुस्ताङ कितना दूर? अभी लोअर मुस्ताङ 93 किलोमीटर। कितना नहीं, कितना? 93 किलोमीटर। कितना घंटा लगता? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा लगता, ऐसे 4-5 घंटा अभी और जाना है। ये आपका दुकान? हमारा दुकान, बहुत अच्छा। हम यहाँ से सब्ज़ी ले के ऊबर बनाता, बनाना चाहिए, ऊबर नहीं मिलता, ऊबर नहीं मिलता सब्ज़ी, ऊबर इतना अच्छा नहीं मिलता सब्ज़ी, मिलता तो होगा, मिलता है, इतना वैरायटी नहीं मिलेगा, मिले नहीं मिलेगा, डबल रेट में पाएगा। अच्छा डबल रेट, अच्छा तो यहाँ से लेंगे हम, ओके। तो गाइस हम यहाँ से सब्ज़ी लेगा और ऊबर बनाएंगे आज रात आराम से।
दीदी कह रहे हम चाइनीज जैसे जापानीज ओह नो नो हम टिबेटन दीदी कह रहे हम इंडियन जैसे तो नहीं लगाना क्योंकि हम इंडिया से बोला इंडिया नेपाली जैसे हाँ नेपाली जैसा लगता होगा चाइनीज जैसा नहीं लगता है तो सबकी ले लिया अभी सबकी कदी हो ये मेरा वो बहुत अच्छा आता है कदी हो पच्चीस सौ भाई दुई सौ पचहत्तर रुपया दो सौ पचास नो 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 दो सेवेंटी फाइव क्या यार नेपाली ओके डन थैंक यू शुक्रिया यो ट्रक को अगाडिपट्टि छ चलो यही यही ये सबका 250 अच्छा रेट है यार कहाँ है हमारा गाड़ी पीछे भाई ये कहाँ पर रखना पीछे ओके तो इसको यहाँ रखते हैं सब चीज़ को तो मुख तो भाई यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको ओ फुंगा भाई मज़ा आ रहा है हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है सर नेपाली अच्छा बोलता है ठीक है सर बाटो ठीक है हाँ हमारा ड्राइवर एकदम मस्त आदमी है खुशी से रहने वाला है अभी हम आए इस जगह का नाम इसको महावीर अच्छा महावीर महावीर तो यहाँ पर इधर एक अच्छा अभी हम थोड़े बस ऐसे ही रुके हैं यहाँ छोटा सा वाटरफॉल है चलो देखते हैं ऊपर और देन वो वाओ वाओ गाइस आपको देखना है इधर बहुत ही प्यारा है वन टू थ्री हाँ हाँ ठंडा ठंडा हवा आ रहा है स्विम करेंगे इधर हाँ बहुत ठंडा बहुत ठंडा है चलो भाई ठंडा ठंडा हवा खा लिया वाटरफॉल का एंड हम फिर से चल पड़े तो अभी यहाँ से कितना घंटा है भाई कहाँ जा रहे हैं रास्ता था ही ना रास्ता था है ना रास्ता था ही ना आई टोल्ड यू यहाँ से आओ अरे तो अभी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे लंच के लिए लंच के लिए 20 मिनट तातोपानी में तातोपानी में दाल भात दाल भात जिंदाबाद जिंदाबाद चलो जिंदाबाद चलो
ओके तो यहाँ से 20 मिनट रास्ता है और हम तातो पानी वहाँ हम लंच खाने वाले हैं दाल भात फिर दाल भात खा के बाद फिर सीधा नॉन स्टॉप मुस्तांग अभी यहाँ कोई गाड़ी अटक गया पता नहीं चढ़ नहीं पा रहा होगा चला गया गाड़ी में आदमी ज़्यादा हो गया होगा ना भारी हो जाए ना भारी हो जाए फाइनली हम यहाँ रुके हैं दादो पानी इधर हम लंच करने वाले हैं दाल भात अरे ड्राइवर साहब गाड़ी ऊपर पार्क करके यहाँ आएंगे बोला कौन सा रेस्टोरेंट ये वाला अच्छा तो हम वो ड्राइवर साहब ने फ़ोन किया था नमस्ते 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 ओ नमस्ते तो ड्राइवर साहब ने फ़ोन कर दिया खाना पूरा पहले से बोल दिया अभी हम आज सीधा खाएगा कहाँ है यहाँ बाथरूम हाँ यहाँ पे देखो हम बात टॉयलेट अच्छा टॉयलेट वहाँ पर है हेलो नमस्ते नमस्ते ओ ये घर है यहाँ पर टॉयलेट है एक मिनट चलो हाथ धो लिया सुसु हो गया हो गया खाना कहाँ खाएंगे हम यहाँ खाएंगे यहाँ बस ही नहीं मिलता भीतर भीतर बस इधर 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 ओके ओके यहाँ बैठते हैं हाँ बहुत भूख लगा यार यहाँ बैठते ऑल राइट तो जी आ जा मेरा दाल भात थैंक यू नमस्ते थैंक यू वाओ यम्मी यम्मी मैं मोटी बोल मैं सुन दूंगा कोक दूंगे कोक शेयर कर लेते हैं एक मैं तो थोड़ा सा पिएगा वाओ माय फेवरेट राजमा दाल मीठो था धेरे मीठो था खाना बहुत टेस्टी है भाई चलो खा लेते फिर बाद में बात करते हैं ओके तो अभी हमने खाना एक्स्ट्रा डाला है और यहाँ सुकुटी इसको क्या बोलते हैं सुकुटी ये सुकुटी मतलब होता है क्या होता है मतलब ड्राई मीट फ्राई करके पता नहीं हम तो नहीं खाने ये खाएंगे सुकुटी ये और ये कैसा है सुकुटी अच्छा है हम तो पापड़ खाएगा पापड़ दाल भात हो गया अभी लेट्स गो दाल भात मीठो छ एकदम मीठो छ चलो गाइस अभी हम पोखरा और मुस्तांग के बीच में है ना बीच में और अभी यहाँ से कितना घंटा और 3 घंटा जाना पड़ेगा फिर तब आएगा हम मुस्तांग में चलो चलो रास्ता बहुत ही खतरनाक है देखो
थोड़ा दिखता ही था। वाओ गाइस पीछे देखो, चलो अभी थोड़ा ऊपर देखते हैं। फोटो खींच के बैठा है, आ जाओ भाई। चल ले, हाँ मजा आ गया, ठंडा ठंडा। चलो फिर फ्रेश हो गए, अब रोड का मजा। Oh,
कैसा है भैया गाना? ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखो नज़ारा, हाँ ठंडा यार। गाइस मुस्तांग में घुसते ही अब मौसम एकदम बदल गया, बहुत ठंडा है यहाँ। तो अभी हम यहाँ चाय के लिए रुके हैं। कहाँ है ड्राइवर साहब? यहाँ एकदम प्लेन है, बहुत ठंडा यार। यहाँ हम बेनी से निकल गए, ये तातो पानी रहा, तातो पानी खा ठंडा खा बोल रहे। तो हम गांव पर जाना है अभी, अभी यहाँ पे पहुँचा है, अभी हम यहाँ पे पहुँचे। ये क्या है? लेते लेते पे पहुँचा है, लेते थुकचे मार्फा जमसोम, और हम अब एक दो दिन में ऊपर मुक्तिनाथ तक जाएगा। ओह नाइस, चलो गरम गरम चाय पी लेते हैं। और सुनो कैसे सफर? बढ़िया है, बढ़िया। हाँ धन्यवाद। आहा क्या बात यार, चाय बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा चाय मिला, परफेक्ट। चलो दो बार पी लेते हैं ठंडा ठंडा हवा। कोई दे 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 दो। रो वहाँ चलते, उधर आ जा। दोस्तों यहाँ नज़ारा देखो यार, एकदम पागल है, पागल पागल बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ऊपर देखो बर्फ पड़ा हुआ है ऊपर। ऊपर बहुत सारा याग है, चाय का कुछ अलग ही मजा है यार। क्यों ऐसा मौसम है? थाके छाना, थाके छाना 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 अले फ्री जमसो ए पोहर जा मरे नि मदे। ओके ओके स्ट्रांग चाय, आपका चाय चाय पानी बिना चाय हॉट 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 वाटर चाय नहीं बिना चाय अभी नहीं बिना। अच्छा चाय ब्लैक नहीं, क्यों तो गैस ब्लैक? ओके अगर आप पोखरा से मुस्तांग गाड़ी में जाता है तो उन्हें कॉन्टेक्ट करें, क्यों है ना? बहुत ही बहुत गाड़ी 24 आवर सर्विस, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं और फुल एंटरटेनमेंट। आपका नंबर मैं इसके ऊपर लिख देंगे, कोई जाना है तो फोन करेंगे। ओके आप कहाँ कहाँ जाते हैं? मतलब मुस्तांग जहाँ भी जाओ, चाइना बॉर्डर जहाँ भी, अपर मुस्तांग छोसेर पोखरा काठमांडू लुम्बिनी मनांग मनांग सब। वैस अगर आपको जाना है तो उन्हें कॉन्टेक्ट करें, बहुत ही मजा आएगा। आहा गरम गरम चाय हो गया,
तो अभी कितना दूर यहाँ से? अभी 30 मिनट। चलो 30 मिनट ओके। तो यहाँ से आधा घंटा लगेगा बस, फिर हम पहुँच जाएंगे। चलो भाई बैठ जा। हम फाइनली पहुंच चुके हैं और शायद इस पुल को पार करके जाना पड़ेगा हमें। आहा, फाइनली मौसम देखो गाइस, हवा बहुत ठंडा है। ओके थैंक यू। तो गाड़ी में पैसा देता हूँ। दस हजार है ना? दस हजार, ये दस हजार गिनो तो उड़ाओ। उड़ाओ फिर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओके ये आपके लिए, ठीक है? ओके थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत ही बहुत थैंक यू। अरे इधर जाना है तो फोन करेंगे। ओके थैंक यू। उफ, चलो गाइस, गाइस हमें को पोरा से यहाँ तक आने के लिए दस हज़ार लगा, तो अभी हम इसको पार करना पड़ेगा। चलो आप पहले चलो। ओए बहुत हिल रहा है भाई। चलो पहुंच गए। तो अभी हम टिबेरियन कैंप के अंदर की तरफ चल जा रहा है। यहाँ कुंगा भाई का घर है, तो हम वहाँ ठहरेंगे आज रात। अभी दो बजे हम सुबह निकला था। कितना बजे? साढ़े सात। तो ये सब तिब्बती गेम है, है ना? आप लोग वगैरह में यार किस्मत वाला है यार। हाँ देखो यार व्यू क्या बात है। हाँ तशीद ले,
तशी दिले अच्छा लगता है यार जब कोई तृप्ति मिलता है तो इतना दूर दूर जगह में भी तृप्ति बैठता है वेलकम टू टिबेटन कैंप लिखा उधर वाओ बहुत ही शांति जगह है यार भाई आपका घर कहाँ पर है मेरा यहीं पे आप बगल पे है पहुँच गया आप पहुंचने वाला है एक मिनट में ये देखो यहाँ लिखा वेलकम टू टिबेटन कैंप तो कुंगा भाई यहाँ पर कितने लोग हैं मतलब कितने 150 करीब होगा 150 करीब टिबेटन यहाँ पर 150 टिबेटन लोग बैठते हैं इधर उनमें से एक कुंगा भाई भी है एप्पल का पेड़ है ये एप्पल का पेड़ है कहाँ है एप्पल एप्पल नहीं है अभी सीजन नहीं है चलो चलो अच्छा अच्छा एप्पल का पेड़ अभी सीजन नहीं है ये तो क्या तोड़ के खा सकते हैं ऐसा अच्छा तो ये सब तिब्बती घर है अच्छा वाओ नाइस वाओ यो कितना शांति है यहाँ अंदर घुसते एकदम पीस फाइनली इट्स नाइस चलो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुंगा भाई का घर में कितना प्यारा घर है यार थक गया यार चलो अंदर चल दे थोड़ा आराम कर लेते हैं अभी भी मेरा ना गाड़ी में गाड़ी रास्ता बहुत ख़राब है ऐसा ऐसा तो अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है जी मेरा मैं अभी भी गाड़ी में हूँ हाँ बहुत थक गया यार थोड़ा आराम कर लेते फिर बाद में मिलते वेलकम बैक तो गाइस हम इधर आज बहुत थका हुआ था तो इसलिए एक घंटा सो गया अभी उठ गया और ये इसको क्या बोलते हैं टोपा टोपी तो भाई ने दिया बहुत गर्म है अभी तो कोई जैकेट भी नहीं आई थी यहाँ मौसम बहुत ठंडा है और अभी हम खाने वाला है ये क्या बोलते हैं पैनकेक थैंक यू और पैनकेक साथ ये लाया लोकल एप्रिकॉट जैम चलो टेस्ट करते हैं क्यों जैम है क्यों चीज़ वाह सॉफ्ट ऑर्गेनिक मिठो सा बहुत मिठो सा चलो गाइस तो पैनकेक खा लिया अभी ये हम ये कहाँ जा रहे हैं इसको गुंगा भाई का नेबर ने ये लाया तो ये वापस देने जाता है गेट बंद कर दो तो ये है गुंगा भाई का घर और ऊपर देखो व्यू वाह यार मेरे गुंगा भाई को बोल रहा हूँ आप बहुत लकी यार मेरे को भी ऐसे घर अच्छे यार ड्रॉइंग्स देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है चलो ठंडा यार मौसम देखो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है अभी नहीं जल रहा थैंक यू सूचना
पेनकेक पेशन बुद थैंक यू। तो ये मैडम जी ने हमको पेनकेक बनाया। चलो तो अभी हम अभी कुंभा भाई लेके जा रहे हैं हमको स्टोर सेटलमेंट स्टोर। अच्छू ये हॉस्पिटल क्लिनिक क्लिनिक। मौसम देखो लग रहा है बारिश होने वाला अभी। सेटलमेंट ऑफिस गाइस ये देखो मेरे को बहुत पसंद आया। ये सोलर वो हीटर गर्म पानी बनाते हैं इको फ्रेंडली। यहाँ छोटा छोटा गाय है। ये गाय रहा गाय वाओ। शायद मंदिर ये मंदिर ये क्या स्कूल श्री सरावस्ती इंग्लिश स्कूल। हे टशी दले ये मंदिर नाम लगा दो ना। ओम माने पे मां ठंड लग रहा है। हां हां ये हमारा होल है। होल की तरफ जाते हैं। अच्छा ये क्या है? ये होल गाय बैठने की जगह। गाय बैठने का जगह। अच्छा तो ये है गाय बैठने का जगह। हां यहां पर गाय बैठता है। हाँ सब का अलग अलग रूम है। हाँ अच्छा अपने अपने गए है वो रखते हैं। अच्छा अच्छा अपना ठीक है ठीक है। भाजंग बोल रहे ना भाजंग इसको टिबेटन में बोलते हैं भाजंग। देख सकता हूँ मैं बंद है। बंद है ओ ये हमारा फल। कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। बहुत ठंडा हवा यार। पानी का सोर्स खाने पानी का सोर्स वहाँ से आता है। देख सकते हो उधर छोटा वाटरफॉल है बड़ा सा। यहाँ पर नया घर बना रहा है अभी। अभी कहाँ जा रहा है? घूम के आते हैं। घूम के चलो। तो यहाँ पर इस जगह पर पूरा गांव लोग पूजा करने आता है ना। पूजा हर वेडनेसडे वो लोग सब यहाँ ग्रुप करके पूजा करने आता है। और ये क्या है? ये टंकी है। टंकी ये मेरा पैर है एप्पल। हाँ अच्छा खेती भी है क्या बात है। खेती ये कौन सा पेड़ है? एप्पल। एप्पल अच्छा। तो यहाँ हम अभी कुंगा भाई का खेती पे आया और यहाँ खूब सारा एप्पल का क्या है पेड़। एप्पल का पेड़ है। अभी यार अभी तो एप्पल नहीं है। जब एप्पल का सीजन आएगा तब तो आएंगे ना। आओ चले भाई साहब। यहाँ पर जितने पेड़ देखते हैं ना आप ये सब एप्पल और क्या बोले एप्रिकॉट का है बोला। बहुत ही प्यारा जगह यार। सुनसान शांति शांति। ये क्या है? कलर लगाया क्या है ये? ट्रीटमेंट मतलब कीड़ा ना लगने के लिए। अच्छा तो ये कलर जो है वो कीड़ा ना लगने के लिए है बोला। क्या दरवाजा बंद है? अच्छा
Hello. भाई साहब मेरा वीडियो दिखता है बोला तो ये हम वापिस मंदिर पे आ गए शायद मंदिर पे आ गया हाँ ये गांव का मंदिर है ये चलो पार्टी है यहाँ ढेर सारा लकड़ी कट कट के रखा है क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है तो हाथ सेक के नॉर्सांग टेबर गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है अवेलेबल रूम भी है वैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ रूम भी देख सकते हैं रेस्टोरेंट सब कुछ है ओके आई थिंक दैट्स इट ऑलराइट गाइस तो अभी हम घर वापस पहुंच गए और अभी धूप भी चला गया एंड हम खाना खाएंगे अभी माने 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 इसका नाम माने 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 वाओ बहुत बड़ा है भाई टिबेटन मैस्टिफ जैसा लग रहा है माने चल बाय बाय माने ओके तो जिन भी दो दिन भी हमने जो सब्जी लाया वो यहाँ कोई एक दीदी है वो बनाएंगे बोला वो खा के सो जाएंगे फिर हम आपको कल सुबह मिलते हैं चलो गुड नाइट